एक पशुपति व्रत होता है। यदि कोई विशेष समस्या हो जो आप नहीं बता सकते किसी को, बहुत तकलीफ चल रही हो, बहुत कष्ट हो रहा हो, बहुत ज्यादा दुखी हो, तो 5 सोमवार पशुपति व्रत कर लो। कितने सोमवार? 5। पशुपति व्रत करने का नियम अच्छे से समझिएगा। 5 सोमवार करना है, कोई से भी सोमवार से चालू कर सकते हो। कैसे करना है? सुबह के समय पर भगवान शंकर का अभिषेक पूजन करने मंदिर में चले जाओ, पूजन अर्चना आराम से कर कर आओ। शाम के समय वही थाली लाकर घर में रख लो। सुबह के समय फलहार कर लो या मीठे का भोजन कर लो, अर्थात मीठा का भोजन मतलब फलहारी भोजन, जो भी मीठे का है वो करें। शाम के समय घर से 6 दिए लगाकर लेके जाएं घी के। कितने दिए? 6। साथ में कुछ मीठा बनाकर लेकर ले। शंकर जी के मंदिर में जाकर मीठे के 3 हिस्से कर दें, 2 हिस्से मंदिर में रख दें, 1 हिस्सा अपने साथ लेकर आना। मंदिर से जो 6 दिए लेकर गए हो वो 5 दिए भगवान शंकर के सामने लगा दो, पशुपति नाथ के नाम से अपनी कामना। दो भाग मंदिर, 1 दिया वापिस रख के थाली में लिया। जब घर में प्रवेश करें, घर के अंदर प्रवेश करते समय राइट भाग में प्रवेश करेंगे उसका सीधा हाथ, प्रवेश करते समय राइट भाग में जो दिया लेकर आए हो वो दिया दरवाजे के बाहर लगा दीजिए। घर के अंदर प्रवेश कर जाओ, जब भोजन करो शाम को, तो जो आपने 3 हिस्से करे थे उसका जो हिस्सा लेकर आए हो वो हिस्से के साथ में भोजन कर लीजिए। इसको कहते हैं पशुपति व्रत। मात्र 5 व्रत कर लो। अगर कोई समस्या है, तकलीफ है, बहुत कष्ट है, तब कोई दिक्कत आ गई है, कोई बीमारी आ गई है, बहुत कष्ट ज्यादा हो रहा है, कोई कर्जा बढ़ गया है, कोई देन लेन रह गया है, कोई परेशान कर रहा है, तो पशुपति व्रत आप कर सकते। ये व्रत आपके जीवन में 5 व्रत करोगे और काम सफल हो जाएगा। गुरु जी ने बताया कि पशुपति नाथ व्रत की विधि कैसे करना है और कैसे इसकी पूजन करना है, कैसे दीपक जलाना है, कैसे प्रसाद को रखना है। आप लोग जरूर ऐसे करिए, एकदम सरल उपाय है ये। और पशुपति बहुत महत्वपूर्ण व्रत है, बस इसमें थोड़ा भूल चूक गलती ना होने पाए। 5 दिमाग दीपक मंदिर में जलाना है, 1 दीपक उठा के घर के लिए लाना है, और प्रसाद का 3 हिस्सा करना है, 2 हिस्सा वहाँ रहना है, 1 हिस्सा अपने लिए लाना है, उसमें से किसी को देना नहीं है। उसके वहाँ पे भगवान की आरती